गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा आज की वीडियो क्लास फोर के स्टूडेंट्स के लिए है अब हमारी ग्रामर की बुक ग्रामर की बुक का है चैप्टर नंबर सेवेंटीन पंचुएशन पंचुएशन का मतलब है कि हमें कहाँ पर फुल स्टॉप का यूज़ करना है कहाँ पर कॉमा लगाना है कहाँ पर क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना है तो ये चीज़ें जो है ये पंचुएशन में आती हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे पंचुएशन मीन्स द राइट यूज़ ऑफ पॉइंट्स और स्टॉप्स इन राइटिंग टू मेक द मीनिंग ऑफ अ सन्टेंस मोर क्लियर एंड करेक्ट पंचुएशन का मतलब है कि सही जगह पर पॉइंट्स का या फुल स्टॉप का लिखते समय यूज़ करना ताकि हमें सेंटेंस जो है वो और क्लियर और करेक्ट हो सके यूज़ ऑफ पंचुएशन मेक्स राइटिंग ईजियर टू रीड एंड अंडरस्टेंड ईच सेंटेंस बिगिनस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंडस विद अ फुल स्टॉप हर एक सेंटेंस जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और उसका जो एंड है वो फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क और एक्सलमेशन मार्क्स पर डिपेंड करता है उससे वो ख़त्म किया जाता है अब है सेंटेंस की काइंट पर डिपेंड करता है कि हमें कहाँ पर फुल स्टॉप का यूज़ करना है कहाँ पर क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना है कहाँ पर एक्सलमेटरी साइन का यूज करना है तो सबसे पहले है कैपिटल लेटर वी यूज कैपिटल द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईसटेंस कैपिटल लेटर्स आर ऑल्सो यूज कैपिटल लेटर का जो यूज़ है वो सेंटेंस जब हम स्टार्ट करते हैं उसका हमेशा फर्स्ट लेटर हम कैपिटल रखते हैं फॉर एग्जाम्पल द टीचर सेट सॉरी टू बिगिन द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ डायरेक्ट स्पीच जैसे डायरेक्ट स्पीच का जो फर्स्ट लेटर है वो भी हमारा कैपिटल रहता है जैसे टीचर सेट टीचर ने क्या कहा ओपन योर बुक तो ओपन का ओ जो है वो कैपिटल रहेगा इसी तरह से द प्रॉपर नाउंस एंड एडजेक्टिव्स जो हैं वो भी uh, उनका भी फर्स्ट लेटर हम कैपिटल रखते हैं और फिर है फॉर राइटिंग प्रोनाउन आई और आई हम जब भी हम लिखेंगे प्रोनाउन जो हमारा आई है वो भी हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है नंबर टू है फुल स्टॉप फुल स्टॉप इज़ यूज एट द एंड ऑफ डिक्लेरेटिव और एन इम्पेरेटिव सेंटेंस जब सिंपल सेंटेंस यानी कि डिक्लेरेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस का एंड होता है तो वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं फुल स्टॉप फॉर एग्जाम्पल मोस्ट वर्ड्स बिल्ड प्रेटी प्रेस्ट फुल स्टॉप ये डिकलेटिव सेंटेंस है और डू नाट डाइव इन डीप फुल स्टॉप यह है इम्पेरेटिव सेंटेंस नंबर थ्री है हमारा क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क इज पुट एट द एंड ऑफ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं यानी कि जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है उसका एंड जो है वो हम क्वेश्चन मार्क से करते हैं जैसे डिड यू इंजॉय द पार्टी क्वेश्चन मार्क वट आर यू डूइंग क्वेश्चन मार्क नंबर फोर है एक्सलामेशन मार्क अब एक्सलामेशन मार्क का हम यूज कहाँ करते हैं एन एक्सलामेशन मार्क एक्सलामेशन मार्क जो ये रेड से लिखा हुआ है ये है हमारा एक्सलामेशन साइन इज पुट आफ्टर एन इंटरजेक्शन एंड ऑल्सो आफ्टर एक्सलामेटरी सेंटेंसेस इंटरजेक्शन के बाद और एक्सलमेटरी सेंटेंसेस के बाद हम एक्सलमेशन साइन का यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल ब्रेवो यह इंटरजेक्शन हमारा ब्रेवो हमारा इंटरजेक्शन है उसके आगे हमने एक्सलॉमेशन साइन का यूज़ किया वेलडन फुल स्टॉप ही इज सच अ काइंड सॉल एक्सलामेटरी साइन अब है नंबर फाइव कॉमा अब कॉमा का यूज हम कहाँ करते हैं टू सेपरेट सेवरल आइटम्स इन अ लिस्ट जब लिस्ट में एक जैसी बहुत सारी चीजें होती हैं तो उनको अलग करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल जैक हैज मार्बल्स अट कॉमा अ टॉप अ कॉमा अ टॉयकार एंड अ कॉम इन हिज पॉकेट टू इंडिकेट अ पॉज डैट मस्ट वी मेड वाइल्ड रीडिंग अ सेंटेंस सेंटेंस जब हम रीड करते हैं तो बीच में पॉज देने के लिए बीच में थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए हम क्या यूज करते हैं कॉमा के यूज करते हैं जैसे आई लाइक द फ्रूट्स कॉमा पर्टिकुलरली द जूसी वंस इसी तरह से इन इनडायरेक्ट स्पीच टू सेपरेट द स्पोकन वर्ड्स स्पोकन वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं जैसे शी सेट कॉमा द एक्ट वॉज परफॉर्म्ड नाइसली अब है नंबर सिक्स द कोटेशन मार्क्स कोटेशन मार्क्स होते हैं बेटा जैसे यहाँ ब्रैकेट में जो दिए गए हैं सेंटेंस शुरू होने पर लगता है और जो बात बोली गई है उसके एंड में भी ये लगाया जाता है इफ़ द कोटेड वर्ड्स आर एट द बीन्स ऑफ अ सेंटेंस वी पुट कॉमा आफ्टर देम विद इन अ कोटेशन मार्क जब कोटेशन मार्क्स शुरू कोटेशन uh, वर्ड्स जो हैं वो स्टार्ट किए जाते हैं और वहाँ पर भी हम ये कॉमा का यूज़ करते हैं विद इन द कोटेशन मार्क कोटेशन मार्क्स के साथ भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आई डोंट आई डोंट केयर कॉमा ही सेट उसने कहा अब जो आई डोंट केयर जो है वो उसमें हमने क्या यूज़ किया है कोटेशन मार्क्स शुरू किया है उसमें अब है एक्सरसाइज़ ए हमारी रीराइट दीज सेंटेंसेज यूजिंग द करेक्ट पंचुएशन मार्क पंचुएशन मार्क यूज़ करते हुए हमें ये सेंटेंसेस लिखने हैं तो नंबर वन है दिवाली यानी कि दिवाली का डी कैपिटल आएगा फर्स्ट लेटर है इज द फेस्टिवल ऑफ़ लाइट्स देन फुल स्टॉप नंबर टू वी फर्स्ट लेटर कैपिटल वी वेंट टू आगरा आगरा के ए कैपिटल टू सी द ताजमहल ताजमहल का टी कैपिटल एम का महल का एम कैपिटल फुल स्टॉप नंबर थ्री गायत्री का जी कैपिटल लव्स टू कलेक्ट एंटीक फर्नीचर कॉमा कॉइंस एंड स्टैम्प्स देन फुल स्टॉप नंबर फोर हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव ये क्वेश्चन है इसलिए फर्स्ट लेटर कैपिटल और लास्ट में क्या आएगा क्वेश्चन मार्क नंबर फाइव डेट डैट इज सच अ गॉर्जियस रिंग लास्ट में क्या आएगा एक्सलामेट्री साइन अब नेक्स्ट पेज पर आएंगे Wow. Wow ka w कैपिटल एक्सलामेटरी साइन व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया इट इज देन फुल स्टॉप वट का W भी कैपिटल रखेंगे हम नंबर सेवन हाउ हाउ का एच कैपिटल ओफन डू यू गो टू द डेंटिस्ट क्वेश्चन मार्क नंबर एट माय बर्थडे. माय का एम कैपिटल फर्स्ट लेटर है फॉल्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर अक्टूबर का ओ कैपिटल दैन फुल स्टॉप एक्सरसाइज बी है हमारी रीराइट यूजिंग कॉमा एंड कोटेशन मार्क्स एट प्रॉपर प्लेस सही जगह पर आपको कॉमा और कोटेशन मार्क का यूज़ करना है ऑल्सो मेक अदर नेसेसरी चेंजेस अगर आपको कोई और चेंजेस लगती हैं तो वो भी आप कर सकते हैं नंबर वन मे कोटेशन मार्क पहले आप स्टार्ट कर देंगे मे आई पेन कॉमा प्लीज कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज यानी कि कोटेशन मार्क्स को इन्वर्टेड कॉमा भी कहा जाता है आस्ट माई यंगर ब्रदर फुल स्टॉप नंबर टू द गार्डनर सेट कॉमा quotation marks start do not dig near this tree full stop quotation marks close number 3 my mother asked comma inverted comma start do not want a cup of tea question mark inverted comma close number 4 the teacher said comma inverted comma start uh, finish your homework by tomorrow full stop or inverted comma close number 5 कोटेशन मार्क स्टार्ट इन्वर्टेड कॉमा और कोटेशन मार्क एक ही चीज़ है आप कोटेशन मार्क्स बोल सकते हैं और इन्वर्टेड कॉमा भी बोल सकते हैं कोटेशन मार्क स्टार्ट कैन आई ईट द केक क्वेश्चन मार्क देन कोटेशन मार्क क्लोज आस्ट द चाइल्ड टू हिज मदर देन फुल स्टॉप अब है हमारी लास्ट एक्सरसाइज सी रीराइट द फॉलोइंग पैसेज यूजिंग करेक्ट पंचुएशन मार्क ये पैसेज आपको दोबारा लिखना है और करेक्ट पंचुएशन मार्क यूज करते हुए फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा और कोटेशन मार्क भी स्टार्ट हो जाएगा सबसे पहले माई का एम कैपिटल माई हार्ट लीप्स वेन आई बी होल्ड अ रेनबो इन द स्काई कोटेशन मार्क क्लोज देन कॉमा रॉट विलियम वर्ड्स वर्थ फुल स्टॉप मोस्ट ऑफ अस अब मोस्ट का एम कैपिटल शेयर हीज फीलिंग्स व्हेन वी आर लकी इनफ टू सी अ रेनबो फुल स्टॉप फुल स्टॉप के बाद का फिर से फर्स्ट लेटर कैपिटल रेनबो इज़ एक्चुअली अ बैंड ऑफ सेवन कलर्स फुल स्टॉप दीज का टी कैपिटल दीज कलर्स आर वायलेट कॉमा इंडिगो कॉमा ब्ल्यू कॉमा ग्रीन कॉमा येलो कॉमा औरेंज एंड रेड दैन फुल स्टॉप तो बेटा ये वर्क आप नीटली अपनी बुक में फिल करेंगे और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे थैंक यू